हेलो एवरीवन वेलकम वंस अगेन टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आस्क सुप्रिया सो रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था लाइक फ्रॉम येस्टे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट व्हाट इज दिस सी राइट द रिसेंटली द एमेंडमेंट एक्ट विच हेज़ कम फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे सो आई जस्ट थॉट टू कवर अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली इन दिस सीरीज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग राइट और इग्नोरेंस के चलते हम बहुत सारे परसेप्शन बना लेते हैं परसेप्शन नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगी मिसकनसेप्शन हम बना लेते हैं कोई भी कंसेप्शन बनाने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स सो माई ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस एपिसोड इज टू मेक यू ऑल अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू सी ए सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट वैन वॉज दिस एक्ट वैन इट केम तो सी ए ए दैट इज योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज पासड ऑन इलेवेंथ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन मतलब टू थाउजेंड नाइन्टीन में ही ये एक्ट आ चुका था बट इट हैज बीन नाउ फाइनली अमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इलेवेंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसीलिए जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज हैं वीडियोज हैं दे आर रिलेटेड टू सी ए फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स राइट Now let's understand what is this. अब आप लोगों को full form तो पता चल गया ये CAA stands for Citizenship Amendment Act. इसमें है क्या कि एक जो immigrant है, alright, who has come to India because of whatever reason, right, जो India आ चुके हैं, उनको citizenship कैसे मिलेगी? So one way to get that citizenship is known as naturalization. Fine. तो जो citizenship मिलेगी वो किन लोगों को मिलेगी और कैसे मिलेगी? That is a question to be discussed.

न एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया तो वो रिलीजियस कम्युनिटीज कौन है दे आर सिक्स ऑफ देम जिसमें आते हैं आपके सिख पार जैनीस बुद्धिज्म हिंदुजम एंड फाइनली वी हैव क्रिश्चियस राइट तो ये छ कम्युनिटीज है रिलीजियस कम्युनिटीज जो इन तीन मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज में माइनोरिटी में है तो इनको नेचेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है अब इसमें चेंज क्या हुआ है अर्लियर द लॉ स्टेटेड दैट जो भी इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकता है उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एप्लीकेशन जिस दिन आपने सबमिट करी है उससे एक साल पहले लाइक like आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है इंडिया आप आ चुके हैं बाय थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन राइट इससे पहले आप इंडिया आ चुके हैं एंड देन यू हैव स्पेंट इलेवन ईयर्स इन इंडिया अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेटली यू विल गेट द सिटीजनशिप लेकिन जो सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज अभी मैंशन मैंने आपको करी उनके लिए द नंबर ऑफ इयर्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम इलेवन टू सिक्स ईयर्स सो दिस इज द एमेंडमेंट द चेंज विच हैज़ कम इन दिस पर्टिकुलर एक्ट अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको नहीं मिलेगा सिटीजनशिप

So, with this, I wrap up this session of Ask Supriya. Do like, share, and subscribe. Thank you once again.